तो गाइस एक ब्रेकिंग न्यूज है कि आज सीमा चाय बनाएगी। ये झूठी खबर किसने फैलाई थी? अजीब तरह का लगता है, दो दिन से मारने खाया, मार अजीब सा लग रहा है। मार खाता है तो अजीब लगता है, नहीं खाता है तो भी अजीब लगता है। ए भी आगे दौड़ के, मैं जैसे बोला कि तुरका जल रहा है, झूठ बोल रहा है। ए भी आगे। गाइस पुनीत बीमार है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसके चलते ना सीमा भी खुश नहीं लग रही है, कोई भी खुश नहीं लग रहा है। पुनीत ठीक रहता है तो लड़ाई झगड़ा करता रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। रात में इसको काफ़ी ज़्यादा बुखार लग गया था, तो आज घर में अच्छा नहीं लग रहा है। रात में कितना बुखार था? बहुत तेज। रात में बहुत तेज बुखार था, 1 बजे की 1:30 बजे बता रही थी सीमा, मैं सो गया था। तो गाइस पूजा अकेले दवाई खा रही है, आज पुनीत खुद बीमार है तो इसे कैसे दवाई खिलाएगा, और सीमा घर की लिपाई कर रही है। गाइस हमारे घर में दिवाली के दिन तक सफाई होता रहेगा। हे गाइस पुनीत का तबीयत ठीक नहीं है, रात 1:30 बजे से बहुत तेज़ बुखार आ गया था और पूरा शरीर में इसके पसीना पसीना हो गया था, हम लोग तो घबरा ही गए थे। पुनीत, पुनीत, पुनीत ठीक है? अभी बुखार टूटा नहीं है, थोड़ा सा कम हुआ है, तो अभी मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। उठो, टाइम हो गया है, पूजा चली गई स्कूल। और एक रोटी खाओ, तुम्हारा फेवरेट सब्जी बना है भिंडी की सब्जी, बहुत मैं खाऊंगा। नहीं, एक रोटी खा लो और चलो हम तुमको लेके चलते हैं दूसरे डॉक्टर के पास। हाँ बाद में खाएगा, क्या हो रहा है अभी? पूरा कोड़ा कोड़ा लग रहा। पुनीत का तबीयत खराब है और मैंने सोचा कि चलो जल्दी से एक रोटी खा लो ताकि मैं तुमको ले जाके डॉक्टर के पास दिखाऊं। तो गाइस आज मेरे घर बना है भिंडी की सब्जी और रोटी, और मैं भी खा के पुनीत को दवाई लेने डॉक्टर के पास जाना है। तो गाइस कल जो डॉक्टर के पास गए थे, आज उनके पास मैं नहीं जाऊंगा, आज दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा। रात में इसे बहुत तेज़ बुखार आ गया था, तो सीमा और पूजा बाहर इसको ले जाके कपड़े उपड़े खोली, पूरा पसीना पसीना हो गया था, तो आज मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। बस पुनीत तो रोटी खा लें, फिर मैं और पुनीत जाऊंगा। पूजा चली गई है स्कूल, तो फटाफट रोटी खा के पुनीत को पहले दवाई लेके आऊंगा, उसके बाद ब्लॉग बनाऊंगा। तो गाइस ये एक स्वेटर है और एक शाल है, रख लेता हूँ, कहीं रास्ते में पुनीत को ठंड लगेगा तो इसे पहना के मैं वापस लेके आ जाऊंगा। ये वाला स्वेटर पहना दो, रास्ते में कौन पहनाता रहेगा? पहन ले पुनीत, गर्मी लगेगा तो बोल देना, मैं निकाल दूंगा। साइकिल से लेके जाने में कहीं ठंडी भी लगेगी। गाइस पुनीत बीमार हो गया ना तो घर में रौनक ही चली जाती है, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी करने में। तो अभी 9:05 हो रहा है, डॉक्टर साहब 9:30 पहुंचेंगे, तब तक मैं और पुनीत पहुंच जाएंगे। पूरी अच्छी तरह से लिपाई की है, लेट हो जाएगा, लिपाई कर दी है, दोनों कमरे लिपाई हो गया है, काम बैठे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीमा गेट बंद कर ले। तो गाइस एक साल है, उसी को लिफाफा में बंद करने के लिए सीमा गई है। चल पुनीता जा, रात में ही बहुत तेज बुखार आया था, बहुत तेज, ले आ सीमा जल्दी लेके आ, इसी में डाल दो, कहीं तो रास्ते में डॉक्टर साहब बोलेंगे कि वहीं पे एक खुराक खिला दो, रोटी तो खाया है, हमारे पास पानी रहेगा तो हम वहीं पे इसको खिला देंगे, उसके बाद लेके आएंगे, और रास्ते में ठंड लग गया तो मेरे पास साल है, मैं सब कुछ तैयारी करके जा रहा हूँ। तो गाइस मुझे पुनीत की दवाई लेके आने में बहुत ज़्यादा देर लग गया और भीड़ भी ज़्यादा था, तो सीमा ने बहुत अच्छा काम की है, ये देखिए। आधी रोटी खा लो तो दवाई खा लो। कुछ नहीं खाना है इस बार। ना पुनीत एक रोटी खा, खा ना इस बार। रे पुनीत तो फिर दवाई खाना है। हेलो खाता बंद दवाई खाई बोला, बात मांगा जला ला, खा ला।
अपनी दवाई खाना खाना तो पड़ेगा रोटी दवाई खा जल्दी से बुखार बड़ी तेज बपुनी बड़ी तेज बुखार उठे बुटवा तले खोली उठे खड़ा जा खा धीरे धीरे खा धीरे धीरे खा नोत लो गाइस इसके मुंह में अच्छा लगेगा तभी तो इसको भी मन करेगा खाने की मत रो जब दवाई लेके आया तब एक खुराक दिया हूं थोड़ा सा दिया तो बुखार थोड़ा सा कम हुआ है कम नहीं बहुत कम हुआ है तभी पूजा आने वाली है टाइम हो गया है मैं जा रहा हूँ कौन आ जाओ आ जाओ देख सीमा ने आज कितनी मेहनत की है साफ साफ उसकी मेहनत दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के वहाँ तक तो पूजा आ गई है का? क्या खाएगा पुनीत किसकी सब्जी खाएगा बोलो किसकी है भिंडी की सब्जी खत्म हो गई फिर क्या खाएगा बैंगनी शिमला मिर्च गोभी खाएगा गोभी की सब्जी तरी वाला खाएगा आलू गोभी मन कर रहा है भूख लग रहा है चल ठीक है पूजा आ गई बनाएगी हे गाइस पुनीत बीमार है और पुनीत से जब पूछा गया कि क्या चीज की सब्जी खाओगे तो बोलता है कि आलू गोभी की सब्जी बनाओ और तरी वाला उसके पसंद की सब्जी बना रहा हूँ और मेरा साथ दे रही है पूजा सीमा आज ज़्यादा काम किया तो बोलती है नहीं आज तो मैं नहीं खाना बनाऊँगी पूजा और आप मिल करके आलू गोभी की तरी वाली सब्जी बना दो और मैं रोटी बना देती हूँ तो रोटी तो है चार पांच तो उसको तो बहाना मिल गया कि रोटी जल्दी नहीं बनाएगी तो मैं और पूजा सब्जी बनाएंगे तरी वाली सब्जी मैं भी नहीं बनाऊँगा जो सुबह भिंडी की सब्जी बनाई थी इतना तो पुनीत ने खा लिया तो गाइस एक ब्रेकिंग न्यूज है कि आज सीमा चाय बनाएगी ये झूठी खबर किसने फैलाई थी मतलब ये चाय नहीं बनाती है नहीं मम्मी बनाएंगे तो आप ही थोड़े कम ही चाय थोड़ी पी लेते हैं चाय का भी टाइम होता है जो आप कह रही थी वो पहले कह मैं तो कुछ नहीं बोली तू कह जो कह रही थी पूजा अभी जो कह रहे थे वो बोल क्या जो कह रहे थे वो बोल ना क्या यही कि पापा के नहाए चार दिन हो गया बोल दे परसों नहीं नहाया था और अभी नहा के आया लिख के रखो कि पापा किस दिन नहा रहे ऐसे भूल जाते हो तुम लोग अरे परसों ही नहाया था और आज फिर ना कल एक नहीं नहाया अगले ये सब सोचते हैं कि हम रोज नहाते हैं और पापा ये एक दिन छोड़ के नहाते हैं गाइस भिंडी की सब्जी खत्म हो गई थी सिर्फ रोटी बचा है तो बोलती है मैं मकरोनी बना के खाऊंगी अकेले ये बना के खा लेगी मुझे तो नहीं लगता है कि अकेले बना के खा लेगी ये है मकरोनी देख लीजिए और उसके लिए मसाला ये तैयार कर रही है मुझे तो नहीं लगता कि अकेले बना के खाएगी और मैं और पूजा बना रहे हैं आलू गोभी की सब्जी मैं आलू गोभी नहीं खाऊंगी मकरोनी मत खाना मकरोनी बन के तैयार हो गया अभी और... बन रहा है बन के तैयार अभी बना रही है और देख रहा हूँ उसमें पानी पानी लग रहा है ये मैं चिकन के लिए लेकर आई हूँ कैसे स्वाद है नमक नमक तो आलू गोभी की सब्जी बनाएगी अब बनाएगी ना तरी वाली सब्जी बना दे मैं काट दिया हूँ पुनीत मकरोनी खाएगा रे पागल आजा जल्दी से आजा सीमा ने बनाई है मकरोनी और वो सिर्फ प्याज डाली है और अच्छी से बना भी नहीं है तो अभी उतार के खाने ले कहाँ अच्छी से बनाया प्याज डाली हूँ ऐसे ही मकरोनी बनता है नौसिखिया भी इससे अच्छा बनाता है खुद के लिए बना लिए मैं भूख लगा है इसीलिए जल्दी बना लिए बहुत अच्छा स्वाद बना है गाइस मैं मकरोनी बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता है मैगी खा लेता हूँ नूडल खा लेता हूँ बर्गर टिक्की खा लेता हूँ मकरोनी बिल्कुल नहीं खाता हूँ कभी कभी खाता हूँ जब सब कुछ डाल के बना रहता है तब खाता हूँ नहीं तो नहीं खाता ये देखिए ऐसे ही बनता
ऐसे बनता है। चलो बनाओ खाओ, आलू गोभी की सब्जी बनाओ। आलू गोभी तरी वाला पुनीत ने भी बोला है, पुनीत का बुखार थोड़ा सा कम हुआ है। तो गाइस इसे बुखार लग जाता है ना, खेलता नहीं है, जब नहीं खेलता है तो हम लोग को बहुत अजीब तरह का लगता है। मार खाता है तो अजीब लगता है, नहीं खाता है तो भी अजीब लगता है। बोल रहा है दो दिन से मार नहीं खाया, अजीब लगता है। ठीक हो जाए फिर खा लेना। हाँ पूजा बना रही है आलू गोभी की तरी वाला सब्जी। उतना ज्यादा गोभी आलू मैंने काटा था लेकिन इसने रख दी, बोलती है तरी वाला उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा आलू गोभी की सब्जी बना रही है सिर्फ पुनीत के कहने पे कि पुनीत तरी वाला से रोटी दो खाएगा और दवाई भी खा लेगा। बस इतनी सी कल वाला बैगनी बचा है तो इसको गर्म करवा लेता हूँ और मैं इसे रोटी से खाऊंगा। मुझे लगा है भूख, सुबह का खाया हूँ, बहुत टाइम लगेगा तब तक गर्म कर दे पूजा, इतना से तो मैं खा ही लूँगा। मेरे खाने के लिए तो बहुत है नहीं पूजा। हमारे ब्लॉग में ना कुछ भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है। जो हमारे घर में लाइफ स्टाइल होता है, जो हमारे घर में होता है, वही हम आप लोगों को निकलता है उसी तरह से दिखाते हैं। भी प्योर है। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिस तरह हमारे घर में होता है वही हम दिखाने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। पूजा ये जल जाएगा रे, जल चला इसको, तुड़का जल जाएगा तो सब्जी कहाँ अच्छी बनती है। तो गाइस पूजा बना रही थी और छोड़ के चली गई, बोलती है पापा चलाते रहना मैं अभी आती हूँ। छोड़ के गई थी अपने आप बोले पूजा तो उधर जा, मैं ब्लॉग बनाने जा रहा। कितना झूठ बोलती है, ये कैसे सीख ली है तू झूठ बोलना। आगे कच्ची गोभी भी खाते हैं, मेरा सब्जी हो गया। चल पूजा रोटी और सब्जी दे करके गई, और सब्जी तो आप लोग को पता ही है कल बना था बैगनी भर के, तो मेरे लिए बच गया था तो पूजा ने गरम करके लेके आई। वैसे तो आलू गोभी की भी सब्जी बन रहा है तरी वाला, पुनीत के कहने पर, कब बनेगा तब तक मैं खा लेता हूँ। तो गाइस देखिए पूजा और सीमा यहाँ बैठ गई है और तुड़का जो रहा है, नहीं तो देखिए मैं झूठ नहीं बोलता। ये देखिए देख लिए, देख लिया कितना झूठ बोल रही है। दोनों बैठ रहे थे ना आप लोगों के सामने, देखिए ये भी आगे दौड़ के, मैंने जैसे बोला कि तुड़का जल रहा है झूठ बोल रहा है, ये भी आगे बन गया पूजा। अच्छी से भूज करके तब उसमें पानी डालो, तब तरी ज्यादा अच्छा लगेगा। मसाला डाली हो कि जला है? कुछ नहीं जला, मसाला है। तो देखिए गाइस पूजा ने आलू गोभी की तरी वाली सब्जी बनाई है पुनीत के लिए, तो कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा। पुनीत बीमार है जो कहता है ना, तो वही बनेगा। तो गाइस पुनीत का बुखार टूट गया है और हम लोग थोड़ा खुश है, सीमा का भी चेहरे पे खुशी आ गई है, और रात में उसका बहुत तेज बुखार था तो हम लोग भी घबरा गए थे कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग इतनी रात को लेके कहाँ जाएंगे। तो फिर जा करके हम इसे दवाई लेके आए, लेकिन अब पूरी तरह से टूट गया है और थोड़ा बहुत खेला भी छत पे, और अभी तो फिलहाल आराम कर रहा है, सो गया है, सो गया फिर सो गया, फिर उसे हम रात को दवाई देंगे, कुछ राहत है। नहीं तो गाइस हम लोग के चेहरे बिल्कुल लटक गया था। तो देखिए अभी खुशी से पूजा भी अकेले बोलती है मैं अकेले ये सारा बर्तन धो दूँगी। ये देखिए हाँ पुनीत का बुखार टूट गया था, तूने बोली ना कोई बात नहीं मम्मी तुम नहा के मंदिर चले जाओ, मैं अकेले बर्तन धो देती हूँ।
बर्तन ज्यादा भी नहीं है। तो गाइस पुनीत अब ठीक हो गया, जब से दवाई खाया है उसके बाद से एक बार भी बुखार नहीं आया है, तो हम लोग बहुत खुश हैं और एक साथ खाना खाने जा रहे हैं। सामने मेरा चावल रखा हुआ है, उसके बगल में है सब्जी। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर नए सिरे से ब्लॉग बनाऊंगा, तब तक के लिए बाय। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, बाय 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 बाय।